वैसे कसम से भाई साहब, खाना तो बहुत ही लजीज था। ऐसा अचार गोश्त आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया, मजा ही आ गया। सारा खाना मेरी बेटी ने तो बनाया था, बहुत सुघड़ है माशाल्लाह से। बेटा बहुत प्यारी लग रही है, बस अब जल्दी से तुम मेरे घर आ जाओ, बहू नहीं बेटी बना के रखूंगी तुम्हें। मैं शादी की तारीख के बारे में क्या ख्याल है आप? देखिए भाई साहब, आप हैं बेटी वाले और शादी ब्याह के मामले में तो लड़की वालों को ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, हमें तो बस आप कहेंगे तो हम बारात लेके आ जाएंगे। और आज आपके घर आने का मकसद भी यही है, आप अपनी मर्जी की तारीख बता दें तो फिर हम भी तैयारी शुरू करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी इज्जत दी और हमारी बेटी को इस काबिल समझा। अरे भाई साहब, अब आपकी और हमारी इज्जत सांझी है, हम दो नहीं एक ही खानदान है। बिल्कुल। तो फिर क्या सोचा भाई साहब आपने? अरे दूल्हा से तो पूछ लेना क्या वो इन तारीखों से मुत्तफिक है या नहीं। नहीं नहीं, मुझे कोई फैसला नहीं है, जो आप लोगों का फैसला वो मेरा फैसला। तो बहन जी, फिर मेरे ख्याल से अगले महीने की जो आखिरी हफ्ता होगा उसके जुम्मा हफ्ता इतवार मुनासिब रहेगा? ठीक है भाई साहब, मुनासिब रहेगा। इसी बात पर मेरा ख्याल में मुंह मीठा करना चाहिए। लीजिए ना आप। हाँ। बेटा दो।